जो मेन प्रपोजल है हमारा, राइट टू रिकॉल, और दूसरा आरटीआई 2। आरटीआई 2 मेन है, हाँ आरटीआई 2 है सेक्शन 1.3 या 1.2 में। आप यदि लेटेस्ट 301.pdf डाउनलोड करोगे तो उसमें 1.3 है, तो थोड़ी पुरानी में 1.2 है। आपने आरटीआई बोला, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई 2, आरटीआई 2 ठीक है ठीक वो नया प्रपोजल है। है। अभी 301.pdf आपके सामने है? नहीं, 301.pdf मेरे सामने नहीं है। ये कौन सी फाइल बोली आपने? ओपन कर सकते हो, मैं आपको यूआरएल देता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने आप अभी अभी इसमें रेफरेंस मटेरियल है सारा। ठीक है, ठीक है, मैं देखता हूँ वो। और मैंने आपको जो लिंक भेजी ना, forbes.com पे जो लिंक भेजी मैंने, डेथ बाय एंटी डंपिंग करके एक लिंक है, ठीक है। तो वो जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल एक्सप्लेन करता है कैसे जो कंपनीज, जैसे इंडिया में जो कंपनीज है जो फॉरेन प्रोडक्ट्स को इनपुट्स की तरह यूज करती है, ठीक है, इनपुट्स लाइक एंड प्रोडक्ट नहीं बट अपनी कंपनी में इनपुट करने के लिए यूज करती है। तो जब इम्पोर्ट करना बंद कर देते हैं तो वो कंपनी सफर करती है, बिकॉज बिकॉज वो कंपनी के लिए इनपुट्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं काफी। तो काफी सारी कंपनीज अमेरिका में भी ऐसी थी कि जो बंद हो गई, ये उन्होंने कस्टम ड्यूटी जब बढ़ाई थी तो बंद हो गई थी। जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो प्रोडक्ट है वो अमेरिका में क्या किया था कि उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत बढ़ा दी थी। तो जो कंपनीज में मैग्नीशियम इनपुट की तरह यूज करते हैं वो कंपनीज बहुत सारी बंद हो गई, बिकॉज इनपुट की प्राइस बहुत बढ़ गई बंद इम्पोर्ट बंद करने से। और इससे करीबन 1500 जॉब चले गए थे। तो तभी हाँ, इम्पोर्ट ड्यूटी कोई चीज में लगाओ, बट क्या है कि मोस्ट ऑफ द चीज में इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत कम होनी चाहिए। जो मैं ये 301.pdf डाउनलोड कर लिया, ठीक एक मिनट, ठीक है, सो आ गया यहाँ पे। अब पीडीएफ की तरह डाउनलोड से, वर्ड डॉक को फाइल में जाके डाउनलोड कर सकते हो, फाइल में जाके। हाँ, अच्छा ठीक है, गूगल डॉक की हाँ तरह ठीक है, डालो, हाँ समझ गया, एम्बेड दिस पीडीएफ फाइल, हाँ डाउनलोड, ठीक फाइल है ठीक डाउनलोड, है ठीक है। एम्बेड डाउनलोड, हाँ तो डाउनलोड कर, हाँ हो हाँ हो रही है रही है डाउनलोड। डाउनलोड। तो अमेरिका में भी क्या था कि जब डिप्रेशन हुआ था, ठीक है, 1930 में, तो उसके बाद कई प्रेसिडेंट्स जो आए उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी काफी बढ़ा दी थी, बट लास्ट लास्ट 30 40 सालों से इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत कम है, करीबन करीबन 8 से 10% के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं रखी इन्होंने, ठीक है। हाँ, सो ये डाउनलोड हो गया। तो उसमें सेक्शन 1.3, सेक्शन 1.3 ये कौन से पेज में है? एक्चुअली पेज नंबर भी गुड़ाउन को पेज नंबर, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेजेस मैं ऐड करता रहता हूँ, अच्छा तो मेरे पास जो लोकल कॉपी, मेरे मशीन पे जो कॉपी है उसमें पेज नंबर चेंज हो गया होगा। अच्छा इसलिए जीरो मैं पॉइंट थ्री ठीक चैप्टर है, हाँ वन, इंडेक्स में चैप्टर वन है, फिर सेक्शन वन पॉइंट थ्री हाँ चैप्टर और वन, सेक्शन 1.3 ठीक है, चैप्टर वन में, ठीक है, मुझे एक सेकंड दीजिए, 1.1A में हूँ मैं, 1.3 हाँ आ गया, ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज आरटीआई 2, हाँ ठीक है, एम्बेडेड हाँ नोटिफिकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन सीज, आई डिस्क्राइब इन ब्रीफ, द फर्स्ट वंस दिस कम्स इन गैजेट इट बिकम्स इफेक्टिव, राइट नाउ इट्स जस्ट अ प्रपोजल हाँ दैट अ पर्सन कैन सबमिट, वंस दिस कम्स इन टू गैजेट पर्सन कैन गो टू कलेक्टर ऑफिस हाँ एंड सबमिट अ प्रपोजल एंड हिज प्रपोजल विल कम ऑन पीएम वेबसाइट। ठीक है, सेकंड क्लॉज सेज दैट एनी पर्सन कैन रजिस्टर यस और नो ऑन इट बाय विजिटिंग पटवारी ऑफिस इस पटवारी विलेज ऑफिसर और वाया एसएमएस और एटीएम ठीक है, एंड पर्सन कैन चेंज इट यस नो एनी डे बाय विजिटिंग पटवारी ऑफिस और वाया एटीएम और एसएमएस ठीक है, एंड थर्ड क्लॉज इज जस्ट अ डिक्लेरेशन दैट यस नो इज नॉट बाइंडिंग ऑन पीएम जज ऑफिस और एनीवन। ठीक है, मेक इट क्लियर दैट दिस इज नॉट अ रेफरेंडम प्रोसीजर, दिस इज जस्ट अ वे बाय विच गवर्नमेंट कैन टेक ओपिनियन सिटीजन इन एन ऑथेंटिकेट इन अ अनरिकेबल वे। हाँ,
because the procedure is as safe as bank transaction. Right. Safer than bank transaction. Now, all the laws we are proposing, such as increasing custom duty or any other law like right to recall or MRCM or all that law, we plan to get it via this law. Right. That first we want RTI-2 in Gazette, and once RTI-2 comes in Gazette, only after that we will try to get other laws in Gazette, one by one. Right. So, it is not that we become MP and we will impose 300% custom duty. Whether we become MP or not, once RTI-2 comes. If most people think that low custom duty is a good idea, then the proposal of 300% custom duty will get very few yes. And so obviously the proposal will not go through. Right. So now, about now coming specific to custom duty, all proposals like right to recall come by this, now coming specific to custom duty, increase in custom duty if it is uniform. Uniform मतलब सब प्रोडक्ट्स पे लग रही है ऐसा या सब प्रोडक्ट्स पे यूनिफॉर्म जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट हैपेंड इन इंडिया वाज दैट कस्टम ड्यूटी ऑन पिक्चर ट्यूब वाज लेस आई एम टॉकिंग अबाउट 1980 राइट इट वाज अबाउट 100% एंड कस्टम कंट्रीब्यूशन वाज 300% सो लॉट ऑफ स्टील कंपनीज सच एज क्राउन केम ऑल दे डिड इज दैट दे इंपोर्टेड द कंपोनेंट एंड असेंबल्ड इट एंड मेड इट एज अ टीवी राइट So if you bring Sony TV right from Japan, you have to pay 300% custom duty, but the Crown TV imported the picture tube and all that, and they assembled it. So that basically promoted assembly technology. Yeah. It did not really promote real manufacturing. Right, right. But if you have custom duty across that, whether you import picture tube or whether you import component, anything except natural resource. On natural resource, custom duty will be practically 0% except some cases like crude oil. Right. But otherwise, custom duty will be uniform. So whether the person is importing parts or person is importing full thing, he has to pay same duty. So now this will promote real manufacturing. Why? Because the person is manufacturing entire TV, picture tube, components, and assembly everything in India. His television cost will be one-third compared to made in Japan TV. Right. So this custom regime promotes local manufacturing. Right. So just to आप जो बोल रहे हो मैं बराबर समझ रहा हूँ या नहीं आप ये बोल रहे हैं कि कंपोनेंट पार्ट में भी कस्टम ड्यूटी लगेगी और एंड प्रोडक्ट में भी लगेगी हाँ राइट हाँ अब इसमें पर्सन विल इंपोर्टिंग विल हैव टू पे ओनली वंस फॉर एग्जांपल इफ यू पे पिक्चर इंपोर्ट पिक्चर ट्यूब देन पे इंपोर्ट ड्यूटी ऑन पिक्चर पिक्चर ट्यूब ओनली जी राइट राइट अब इसमें कौन राहुल भाई है ना ये क्या राहुल भाई जी राहुल अब इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इम्पोर्ट ड्यूटी जब होती है तो इम्पोर्ट इम्पोर्ट करने का इंसेंटिव बहुत कम हो जाता है मैन्युफैक्चरर्स के पास राइट राइट इम्पोर्ट करने का इंसेंटिव बहुत कम हो जाता है तो इम्पोर्ट कर ही नहीं सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स राइट और जब इम्पोर्ट नहीं कर सकते तो मैन्युफैक्चरर्स को खुद को बनाने का इंसेंटिव बहुत कम है लाइक फॉर एग्जाम्पल आप देख लो कोई भी पार्ट होती ठीक है टीवी का कोई भी पार्ट हो अब कोई भी नेशन दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जो सब पार्ट बनाता हो आप कोई भी कंपनी अमेरिका में भी देख लो ठीक है कोई भी प्रोडक्ट हो जैसे कि कंप्यूटर हो ठीक है कंप्यूटर में जो भी पार्ट अंदर जाता है वो सब कुछ अमेरिका में तो बनता नहीं है और बन भी नहीं सकता बिकॉज कोई भी देश के पास इतने रिसोर्सेज होते नहीं है कि सब चीज अपने देश में बना पाए दिस इज एग्जैक्टली वेयर आई डिफर राइट इंडिया स्केल ऑफ इकोनॉमी आर्ग्यूमेंट राइट इंडिया पॉपुलेशन इज 1/7 ऑफ वर्ल्ड राइट सो हाउ इज इंडिया डिफरेंट फ्रॉम 1/7 ऑफ World. Right. Natural resources we have to import. For example, if you don't have uranium, then you have to import uranium. Import duty on all natural resources is practically zero. Right. But as far as labor goes, you have so much surplus labor. Right. So if India manufactures everything that world is manufacturing, then we will operate at a slightly lower efficiency than the world, but That will be 5 to 10% lower, cannot be 50% lower, because scale of economy jo hai,
वो ऐसा है कि 1 लाख की कंट्री यदि जेट प्लेन बनाता है तो उसको अनइकोनॉमिकल पड़ेगा, राइट। और 100 करोड़ का कंट्री और 700 करोड़ का वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया पॉपुलेशन इज 120 करोड़, वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 700 करोड़, बराबर। सो एट दैट लेवल इंक्रीज इन एफिशिएंसी इज ओनली 10-15%, बराबर। एवरी टाइम यू डबल द पॉपुलेशन द स्केल ऑफ इकोनॉमी डज नॉट हाफ द कॉस्ट, राइट राइट। सो इफ वर्ल्ड ऑफ 7 बिलियन राइट कैन मैन्युफैक्चर, देन इंडिया ऑफ 1.2 बिलियन कैन आल्सो मैन्युफैक्चर इट। नहीं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं राहुल भाई, बट इसमें क्या है कि हमारे पास स्किल्स भी चाहिए, ठीक है, सब कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए स्किल्स भी चाहिए। और एक कॉन्सेप्ट हमने सुना होगा डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, जैसे कि आप मेरी बात सुन लो, अगर मुझे, मैं एक बंदा हूँ, अगर मैं अपने आप रह रहा हूँ, ठीक है, लेट से कि एक ऐसी दुनिया है कि जहां पे मैं अपने आप रह रहा हूँ, मैं कोई और मेरे साथ कोई बंदा रह ही नहीं रहा, ठीक है, मैं अपने आप जी रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि करोड़ों साल पहले होता था कि बंदे अपने आप जीते थे, ठीक है, देयर वाज नो डिवीजन ऑफ लेबर। अब इसमें क्या होता है कि जब मैं अपने आप रह रहा हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं, पूरे दिन मैं अकेला बंदा हूँ, तो मैं अपना घर बनाऊंगा, खाना जाके मैं लकड़ी काटूंगा, ठीक है, घर पे आके खाना पकाऊंगा, सब कुछ काम मैं साथ में करूंगा, तो वो हो नहीं सकता। इससे क्या है, एफिशिएंसी तो कम होती है बट क्वालिटी भी कम होती है। और इसकी जगह पर अगर मेरे साथ दूसरे 10 बंदे हैं, ठीक है, तो 10 बंदे हैं तो एक बंदा क्या करेगा, खाना पकाएगा, और वो खाना पकाने में सबसे बेस्ट होगा। फिर मैं हूँ तो मैं घर बनाऊंगा। Right, but question is that why do we need to manufacture or import it from outside when there is surplus labor already here? So the skill ka question hai, ulta hai. Ki only when you start manufacturing you will cultivate skill. But knowledge hai, wo skill create nahi karta. Engineering, as far as engineering goes, college hai, wo to basic theoretical knowledge deta hai, overview deta hai, that's all. जी. उसके बाद skill banti hai if the country is having real industry. Right. So only when the country will start manufacturing it will cultivate skills. Right. So यदि import allow करते हैं cheap import, then country will never manufacture because industrialists will find it uneconomical. नहीं, अनइकोनॉमिकल तभी होगा बिकॉज अब दूसरी तरफ राहुल भाई की हमारी कंट्री में कॉर्पोरेट्स को जो टैक्स लगता है, ठीक है, वो टैक्स लगता है वो भी बहुत हाई होता है। So, जब टैक्स ज्यादा लेते हैं इंडस्ट्री से, ठीक है, कंपनी से, तो दूसरा क्या होता है, कंपनी उतना कम स्पेंड करती है अपने अपने कर्मचारियों को That is true, but profit भी कम होते हैं ना, because expenses होते हैं तो profit कम होते हैं, right? So जब profit expenses में देखो corporate tax US में भी 35% है, in fact US में कितना है? US में भी 35% है, यहाँ पे भी 35%। Income tax if you see it is higher in Japan than in India, right? In Japan now in West income tax is much higher than India. In US income tax, personal income tax, right, goes up to the level of 50% in states like New York, right? New York में जो highest 50% हाँ बोलिए, थोड़ा कम है, मैं तुमको गिनाता हूँ। मैं जब न्यूयॉर्क में था तो हाईएस्ट टैक्स रेट वाज इनकम टैक्स रेट वाज 35%, राइट, इनकम टैक्स, राइट, इफेक्टिव, राइट, इफेक्टिव। उसके बाद 7% सिटी न्यूयॉर्क टैक्स आता था, 4%, एंड देन 1% मेडिकेयर टैक्स, राइट। सो इट ऑलमोस्ट क्रॉसेस 45-46%, राइट। और उसकी भी राहुल भाई उसकी भी क्रिटिसिज्म बहुत आ रही है कि यहाँ भी कंपनी, मैं ये नहीं बोला कि अमेरिका भाई अभी बहुत अच्छा, अमेरिका जो पॉलिसी अपना रही है वो बहुत अच्छी है, वो नहीं है, बिकॉज अमेरिका में टैक्स रेट हाई है और बहुत सारे जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री है वो बोल रहे हैं कि टैक्स रेट कम करना चाहिए। सो यहाँ ऑल्दो कंपनीज में टैक्स रेट ज्यादा है तभी यहाँ पे वन ऑफ द रीजन इज बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, उसका रीजन है कि टैक्स ज्यादा है, जब टैक्स ज्यादा होता है वो वी विल एंड अप मिसिंग मेनी इश्यूज, राइट। सो टैक्स रेट, टैक्स हैज टू बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन एक्सपेंसेस, वी हैव टू कट डाउन अननेसेसरी एक्सपेंस, राइट,
and then whatever are the necessary expenses you have to meet by tax. So tax rate is independent, it is not an independent variable that we can increase or decrease at will. Right. Tax rate is a 100% dependent variable. Right. मैं ये बोल रहा हूँ कि टैक्स रेट क्या होना चाहिए दैट कैन नेवर बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन ओनली टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज व्हाट व्हाट शुड बी व्हाट आर द गुड एक्सपेंसेस एंड बैड एक्सपेंसेस सही बात है वंस वी रिमूव बैड एक्सपेंसेस द टैक्स रेट डिक्रीजेस राइट इट टर्न्स आउट दैट वी हैव टू इंक्रीज द गुड एक्सपेंसेस हां द टैक्स रेट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज राइट एग्जांपल लेट अस से वन ऑफ माय प्रपोजल इज टू क्वाड्रपल डिफरेंस एक्सपेंडिचर हां सो टैक्स रेट विल इंक्रीज Right. Another proposal is to decrease the accommodation given to ministers, judges, officers. That proposal will decrease the tax rate. अच्छा इसमें राहुल भाई इसमें इसमें आपने जो दूसरी बात बोली थी accommodation कम करना ठीक है defense expenditure accommodation किस तरह से कि अभी जज को जैसे मैं अहमदाबाद का बताऊँ तो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस है उसको जो पैलेस दिया है बंगलो बोलते हैं बट इट्स अ पैलेस राइट The cost of plot is 500 crore. Right. So my proposal is that the very people who run security risks like Narendra Modi, Home Minister, etc., Chief Minister, Home Minister, they should be given bungalow. The rest all should be given 4-5 bedroom flat. Right. No bungalow. Right. And now whatever is the surplus land, that land can be rented out. And rent will directly go to cities, so this will decrease the cost. That now huge amount of money which is spent in maintaining the bungalows will reduce. Right. नहीं बंगलोस तो देने नहीं चाहिए वो तो मैं अभी मानता हूँ ठीक है. नहीं some of the people do need bungalows. For example, those who have very high security risk. Right. Because it is not possible to provide so much security in a flat. Right. So, those who run a very high security risk, but say tourism minister, he does not have any security risk. Right. Similarly, large number of IAS, IPS, IAS officers, they don't run any security risk. So, right. This has to be this. So, there are a lot of proposals where expenses come down. Expenses, वो proposals हमें बंदा हम देखने पड़ेंगे, but अब इसमें क्या है राहुल भाई की perks देने जो पर्स होते हैं कि जैसे कि बंगलो देना वो ठीक है बट अल्टीमेटली जो एमपीस है ठीक है अब आप लेट्स से कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है ठीक है मैं अच्छा बंदा हूँ तो मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ मैं इंडिविजुअल अगर मेरी बात करूँ तो मैं पॉलिटिक्स में जाऊँगा बट दूसरे जो ऑनेस्ट बंदे हैं ठीक है दूसरे जो अच्छे बंदे हैं वो लोग पॉलिटिक्स में जाने के लिए उनके लिए कोई इंसेंटिव है नहीं ठीक है उनके लिए सैलरी शुड बी इंक्रीज आप मानते हो ना वो तो है डिमांड एंड सप्लाई सी करप्शन डिक्रीजेस राइट ऑटोमेटिकली मेनी टैलेंटेड यंग मैन विल से दैट आई डोंट वांट टू बिकम आईएएस अनलेस यू डबल द सैलरी सो अगर ऑनेस्ट बंदों को एजुकेटेड बंदों को अगर पॉलिटिक्स में ठीक है अगर आप मानते हो तो ठीक है यार सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए आई एग्री विद इट बट व्हाट द करप्शन हैज टू कम बिकॉज़ राइट नाउ द अप्रोच ऑफ सिटीजन व्हिच इज करेक्ट इज दैट व्हाट डू आई गेन बाय डबलिंग द सैलरी इफ द करप्शन इज नॉट गोइंग टू डिक्रीज इफ एफिशिएंसी इज नॉट गोइंग टू डिक्रीज एंड एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी इज बिकॉज़ ऑफ टू रीजन राइट One is that there are bad laws and procedures because of which one honest officer ends up wasting too much of his time. Right. And another is that since there is no threat of expulsion, large number of officers do not focus on their work. They focus on how they can get promotion or better transfer or better more bribe or whatever. But they don't focus on their work. Right. Once this problem is sorted out. That their efficiency increases and corruption decreases. After that, it is possible to convince citizens to raise the salary. And how will they automatically get convinced? That I'll give you example of United States police departments across counties. After Second World War, there was a huge inflation. So, but the government was raising the salary as per all norms, like 1% a year, 2% a year, etc. Right. So salaries and in private and police, the ratio was something like salary of private used to be 20-30% higher. Instead, salary in private increased to the point that it was almost twice to 2.5 times. Now corruption was not an option in US. So what happened is that large number of police officers. अच्छा आप US के बात कर रहे हैं? हाँ US की है 1950s की बात कर रहा हूँ. Right.
So immediately when district government, because police comes under county government, immediately when county saw that policemen are leaving and new people are not coming, they started raising the salary. So in all countries where corruption is low, automatically the salaries of government officers start increasing as per private companies norm. ये बात हमारे इंडिया में नहीं होती, बिकॉज जब गवर्नमेंट इंडिया में करप्शन है, इसलिए इंडिया में क्या है कि करप्शन है इसलिए गवर्नमेंट को ऑफिसर मांगते भी नहीं है. सी एनी कंट्री वेदर इट इज मिनिस्टर और पीपल और व्हाटएवर, वी हैव टू रन पुलिस डिपार्टमेंट. राइट नाउ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट, नॉट स्पेसिफिक टू गुजरात, आई एम सेइंग गुजरात बिकॉज़ आई लिव इन गुजरात एंड आई हैव वेरी हां मैं भी गुजरात में रहता हूं. हां तो दे आर पेइंग 3000 रुपीस टू कांस्टेबल, राइट. New constable who are joining, they will get 3000 rupees. Now, the people are quitting 9000 rupees per month job and taking this 3000 rupees job. There was a guy I knew, he was a gym instructor. He was making 8000 to 10000 rupees per month. Yeah. And he left that job and joined this police job. Why? Because he can make 10,000 to 15,000 extra bribe money. Exactly. Or isme... Now, let us say corruption was not there. Uh-huh. If corruption was not there, then nobody would have applied for this 3,000 job. ठीक है. So ये हम so automatically salary would have been revised. Right. So ये हम police officer की बात कर रहे हैं, ठीक है. मेरे हिसाब से राहुल भाई कि अब ये सबका first corruption reduce कैसे होगा? First of all, अब जो 18,000 है, let's say आप 18,000 के supporter है? नहीं, I'm very much against it. Against it, ठीक है. तो अब हम लोकल लॉ इज वेरी बैड. लोकल लॉ राइट, लोकल लॉ इज अ वेरी बैड प्रपोजल. बैड और इफेक्टिव बोथ, राइट. राइट. अब इसमें प्रॉब्लम ये है राहुल भाई की, जैसे कि अन्ना हजारे ने अनशन किया, सब कुछ किया, बट अल्टीमेटली लोकल बिल पास तो नहीं हो रहा, ठीक है. इतना टाइम ले रहे हैं और लोकल बिल पास करे तो भी गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट के टॉस डाल के ही पास कर देगी, ठीक है. सो गवर्नमेंट को अगर परसुएट करना है हमें कोई भी लॉ लाने के लिए, तो वो बहुत डिफिकल्ट है सिटीजन रह के, सिटीजन इन द सेंस की कॉमन मैन रह के. अगर मेरे हिसाब से, ठीक है, अगर हमारे तरह के लॉ लाने तो हमें पॉलिटिक्स में एंटर होना ही चाहिए, आपको, मुझे या किसी और को भी. लाइक एमपी बनना है हमारी खुद की पार्टी लाके, फिर भी अगर लॉज चेंज करने तो दैट इज द श्योरेस्ट एंड यू नो the most effective way to do it. अब first of all politics में अगर honest बंदे लाने, ठीक है, अभी तो honest बंदे आने चल रहे, चलो माना कि हमें politics में enter होना पड़ेगा, उससे पहले तो कुछ होगा नहीं चाहिए. अब हमारे जैसे बंदों को politics में enter होना है, honest बंदों को, ठीक है, first of all तो salary मैं बोलता हूँ कि पहले से बढ़ाओ आप, बाद में नहीं, पहले से salary बढ़ाओ आप MPs की और politicians की, because अभी आज क्या हो रहा है कि इवन आईएएस ऑफिसर, ठीक है, करप्शन तो इज वन रीजन की ऑनेस्ट बंदे जा नहीं रहे आईएएस ऑफिसर बनने, या फिर ठीक है. और उसके लिए हाई सैलरी लॉ पास करने के लिए ही हमें एमपी बनना पड़ेगा, पॉलिटिक्स में जाके हमारी खुद की पार्टी हमें लानी पड़ेगी, तभी हाई सैलरी पास हो सकती है, ठीक है. Right. That Andolan will take less time than election winning. That approach that I am proposing to get the to fix the system. Is raise mass movement to get RTI to law in gazette. TCP transparent complaint filing or RTI to the law that I showed you in section 1.2. Right.
मास मूवमेंट में द रीजन वाई अन्ना हजारे मास मूवमेंट वो फेल्ड वाज दैट द एंटायर मास मूवमेंट वाज पेड बाय सुपर कॉर्पोरेट्स. मतलब अन्ना हजारे डिड नॉट टेक मनी. अन्ना एंड अरविंद केजरीवाल दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मनी. एवरीवन इट कम्स टू मनी दे आर ऑनेस्ट पीपल. दे पेड दिस सुपर कॉर्पोरेट्स पेड टीवी चैनल्स जी टू प्रोजेक्ट जनलोकपाल बिल लोकपाल कंसेप्ट एंड अन्ना हजारे एंड अरविंद केजरीवाल एक्सेट. अब आप कॉर्पोरेट से बोल रहे सुपर कॉर्पोरेट एमएनसीज कॉर्पोरेट लाइक रिलायंस सुपर कॉर्पोरेट विल बी टॉप 10 इंडियन कंपनीज एंड टॉप 12 एमएनसीज इन इंडिया. राइट बिकॉज मुझे मुझे जब तक पता है तब जो भी सुपर कॉर्पोरेट इंडिया में है दे ऑल डिसएग्रीड विद अन्ना. आप नंदन नीलेकानी ले लो ठीक है. नहीं नहीं दैट वाज वेरी सुपरफिशियल. इन रियलिटी ऑल द फंडिंग दैट मीडिया गॉट केम फ्रॉम सुपर कॉर्पोरेट. सी मीडिया प्रोजेक्टेड लोकपाल फ्रॉम डे वन अप्रैल 4 2011 व्हेन अन्ना वेंट ऑन फास्ट. हां सही बात है. ऑन डे वन ही गॉट ह्यूज मीडिया कवरेज. Right. To the extent that the media was lying that there are 1,000 people, there are 2,000 people. On last day, media said that there are 50,000 people. Whereas the strength that Jantar Mantar never crossed 3,000-4,000. हाँ तो एग्जैजरेशन तो होता ही है. वो तो सवाल ही नहीं है. एग्जैजरेशन ऐसा नहीं है. एग्जैजरेशन पेड होता है तभी होता है. सी मीडिया इज वेरी रनिंग ऑन ह्यूज लॉसेस. साम न्यूज़ मेक्स लॉस ऑफ 20 लाख रुपीस पर डे. Why do I know all this? Because I am a software developer, but I work in TRP rating company. Right. पर मुझे ये लग रहा है राहुल भाई कि अब चलो मान लिया कि पे कर रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि पे अगर वो लोग अग्री नहीं करते अन्ना हजारे से तो पे क्यों करेंगे न्यूज चैनल को. नहीं एग्री करते थे. एग्री करते थे. सी रीजन वाई सुपर कॉर्पोरेट वॉन्ट जनलोकपाल और लोकपाल दैट टुडे सुपर कॉर्पोरेट हैव टू ब्राइब 11,000 पीपल. मुझे उसमें ही डाउट लग रहा है लाइक आप नंदन नीलेकानी की बुक जो निकली है पुस्तक निकली है जो इमेजिनिंग इंडिया करके ठीक है उसमें उसमें भी और इंटरव्यूज में भी बहुत सारे इंटरव्यूज में आया है वो आए फिर अनिल अंबानी और वो सब वो है फिर विप्रो का है अजीम प्रेम जी इन सबका अजीम प्रेम जी है अनिल अंबानी क्लियरली तो ब्लेटेंटली उन्होंने नहीं बोला कि भाई अन्ना हजारे जो कर रहे वो सही नहीं है बट बट उन्होंने इफ दे सपोर्ट इट इट विल हैव नेगेटिव इफेक्ट टुमारो इफ सपोर्ट नहीं यार सी वॉलमार्ट एग्जीक्यूटिव सपोर्ट्स लोकपाल लेट मी टेल यू हाउ लोकपाल बेनिफिट्स वॉलमार्ट. राइट राइट नाउ वॉलमार्ट हैज टू ब्राइब अबाउट 200 एमपीस 300 एमपीस ममता समता नीतीश then all MPs to get this FDI passed. Had there been Janlokpal system, he has to cater only 2 or 3 Janlokpals. Right. These Janlokpals will threaten the MP, MLA, CM, PM that pass this FDI or else will file corruption cases against you. Right. Concentration of power always helps the big guys. Lokpal is the worst case. Worst means second worst case. Worst case will be dictatorship. Lokpal is the second worst case of concentration of power that all power goes into the hands of 11 people. Right. So someone like Mukesh Ambani right now he has to bribe 11,000 people by hiring lobbyists like Meera Radia across the country. Right. Collector, SP, district judge, district public prosecutor, district, then ministers, then MP, MLAs, Rajya Sabha MP, all that. वन जनलोकपाल सिस्टम का उसको क्या करना है. हर एक जनलोकपाल के एक दो रिलेटिव को पैनल पर रख दो. सही बात है. इफ अ कलेक्टर चलो सो दे इफ दे कम एंड सपोर्ट इट इन पब्लिक दैट वैल्यू ऑफ अन्ना लोकपाल अन्ना हजारे विल गो डाउन. वो तो सही बात है. चलो मान लिया कि वॉलमार्ट इफ यू सी हाउ द मनी कम्स इन मीडिया ऑल टीवी चैनल्स एक्सेप्ट स्टार प्लस आर लूजिंग मनी. All of them are losing money. All news channels, including Aaj Tak, is losing money. They are losing money despite lot of advertisements, which are actually sponsorships. See, there are media runs. Media has three kind of revenue.
Right. One is subscription. Like you bought, pay 3 rupees to Times of India. हाँ टाटा स्काई है जो भी है राइट. अनदर इज एडवर्टाइजमेंट. हाँ एंड थर्ड इज स्पॉन्सरशिप. स्पॉन्सरशिप मीन्स दैट द पर्सन इज पेइंग मनी टू मीडिया नॉट टू सेल हिज प्रोडक्ट बट टू प्रमोट अ पर्टिकुलर इश्यू टू प्रमोट अ पर्टिकुलर पॉलिटिशियन हु इज पर्टिकुलर प्रमोटिंग अ पर्टिकुलर पॉलिसी ओपनली और कोवर्टली और ही इज पेइंग मीडिया टू to damage a particular politician or officer who is promoting some other policy. Right. So that it has nothing to do with this product is manufacturing. Now, lot of advertisements are actually sponsorship. For example, cement company. They do not need to give so many advertisements. But they give money to a newspaper so that the newspaper can print their political, can work for their political agenda. Right. So, if you take Times of India, one copy of Times of India, blank paper alone is about 5-6 rupees. Mm-hmm. That you add printing cost, it is another 2 rupees. To that you add journalist salary, petrol, electricity bill, real estate cost of interest. The cost of Times of India will shoot up to 12-13 rupees per copy. How much time is that? 2 rupees. Right? And advertisements, the real advertisement. Real advertisements do not make up only half the difference. The rest of the money comes from sponsors. Right. And all TV channels are dependent on sponsor. Right. So, the reason why these MNCs and super corporates sponsored on TV channel and newspaper magazine was these reasons. One was that they wanted to promote concentration of power inside administration. Second was that Lokpal was coming, is coming because of UNCAC. United Nations Convention Against Corruption, India was signed or willingly or forcibly, whatever you say, India signed that. Now Article 5 of UNCAC clearly says that every country, signatory country, will establish independent commission. Consisting of 5 to 12 members. Right. You can investigate, prosecute, etc. Right. So Indian Parliament has to pass Lokpal by 2012 end. Right. Now, if it becomes public knowledge that MPs pass Lokpal because of UN pressure, to unki izzat mitti mein mil jayegi. So MPs across party, whether it is CPM or CPI or Congress or BJP, they wanted a show. So that they can tell people that Lokpal was passed because of mass movement. Or mass movement. So Lokpal movement was a fraudulent mass movement from day one. Right. Did not have anything for masses. Right. So whereas what we are proposing is a real mass movement. I don't think that our mass movement will succeed just because we are different from Anna. एक्सपीरियंस ऑफ अन्ना इज नॉट एप्लीकेबल इन आवर केस क्योंकि अन्ना का पूरा मीडिया फंडेड था राइट एमएनसी पेड टीवी चैनल्स टू हाईलाइट एमएनसी एंड इंडियन सुपर कॉर्पोरेट पेड टीवी चैनल्स टू हाईलाइट करना सो द डे दे रिड्यूस द सप्लाई अन्ना इफेक्टिवनेस डिक्रीज्ड राइट ठीक है राइट वेयर इज वो भी केस द एंटायर मूवमेंट इज सपोज्ड टू बी एक्टिविस्ट फंडेड ठीक है जी सो आप जो आरटीआई 2 है ठीक है सो ये राइट टू इंफॉर्मेशन 1 से डिफरेंट कैसे कैसे हुआ आरटीआई 1 और आरटीआई 2 में कोई सिमिलरिटी नहीं है कंसर्न मैंने आरटीआई 2 इसलिए नाम दिया है दैट इज आरटीआई सिटीजन इज आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन इन आरटीआई 2 सिटीजन इज गिविंग इंफॉर्मेशन सिटीजन इज गिविंग इंफॉर्मेशन Clause 2, Clause 1 of RTI 2, Section 1.3, Clause 1. 1.3, Clause 1, Bula? Clause 1, Section 1.3, Clause 1. Please read Section 1, Clause 1. ठीक है, वो पढ़, हाँ, वो पढ़ लिया ना? हाँ, मतलब इसमें citizen is giving information. Issue a serial number and put that affidavit on the website of the Prime Minister for a fee of 20 days. ठीक है? So ये मैंने मान लिया. अब इसमें हाँ हाँ ठीक है. अब इसमें जो है ये
आई अज्यूम कि ये जो सिटीजन अप्लाई कर रहा है वो अनोनिमस रहेगा, ठीक है? नहीं, अनोनिमस नहीं रहेगा इसमें, अनोनिमस ही रहेगा, अनोनिमस रहना है, लेकिन यू कैन नॉट पुट इट ऑन पीएम वेबसाइट, ही कैन गिव अ अच्छा तो राइट, इफ ही वांट्स टू सी आरटीआई इज अनोनिमस राइट, वी ऑलरेडी हैव अ कंप्लेनिंग प्रोसीजर वेयर सिटीजंस कैन रिमेन अनोनिमस राइट, आरटीआई 2 इज फॉर पब्लिक एक्टिविटी, ठीक है, इसमें एनोनिमस नहीं रहेगा, ठीक है। अब राहुल भाई इसमें एंड विच मे बी ऑब्वियस टू यू, इसमें मेन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर अनोनिमस नहीं रहते हैं तो फिर सिटीजंस को प्रोटेक्शन क्या है, ठीक है? सो देयर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसीजर वेयर यू कैन स्टे एनोनिमस राइट, इज दैट वी ऑलरेडी हैव अ प्रोसीजर वेयर सिटीजंस कैन रिमेन एनोनिमस राइट, और अनोनिमस अनोनिमस जो रहते हैं, ठीक है, ये पेपर में बोलते हैं कि ही विल रिमेन अनोनिमस, उसके बावजूद भी बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट है कि जिनका मर्डर्स हो रहा है, खुलेआम मर्डर्स हो रहा है, दैट इज एग्जैक्टली बिकॉज़ वी डोंट हैव राइट टू रिकॉल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, दिस इज समथिंग आई से टू अन्ना एंड कंपनी इन 2004 राइट, दैट होल आरटीआई लॉ इज यूजलेस बिकॉज़ वी डोंट हैव राइट टू रिकॉल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इफ देयर वाज राइट टू रिकॉल इंफॉर्मेशन कमिश्नर नोबडी वुड चे ट्राई टू डैमेज आरटीआई एक्टिविस्ट व्हाई नहीं अभी राइट हां राइट बोलिए अभी आरटीआई में क्या है कि इफ द एप्लीकेंट डाइज देन द इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैज ऑप्शन राइट टू परस्यू द एप्लीकेशन और ही कैन ड्रॉप द एप्लीकेशन ही कैन ड्रॉप द एप्लीकेशन राइट बट इफ देयर इज राइट टू रिकॉल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हां तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर को डर लगेगा कि यदि मैंने इस इंफॉर्मेशन परस्यू नहीं की आरटीआई एप्लीकेशन परस्यू नहीं की तो ही विल बी रिकॉल राइट निकाल देंगे राइट अब इसमें इसमें भी राहुल भाई की इसमें एक एक लूप होल या जो फॉल्ट बोल सकते हैं वो ये है कि आरटीआई जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ठीक है उनको या तो फायरिंग मतलब नौकरी में से निकाल देने में और खुद की जान गंवाने में दोनों में से एक को चूज करना पड़ सकता है लाइक कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऊपर की जो अथॉरिटी है ठीक है ही कैन थ्रेटन हिम कि भाई इसका मर्डर हुआ है बट तू कुछ कर नहीं सकता यू नो इधर यू कैन गेट रिकॉर्ड या तो फिर तेरी जान खतरे में है उसको धमकी भी मिल सकती है सिटीजंस कैन रिकॉर्ड आई नो बट आरटीआई मेजर हां तो इसमें वंस इंफॉर्मेशन ऑफिसर सी इन आरटीआई इन राइट टू रिकॉल वंस अ पर्सन हैज कम विद द मेजॉरिटी अप्रूवल हां देन इन द प्रोसीजर आई हैव प्रपोज द हायर अथॉरिटीज कैन नॉट एक्सपेल हिम राइट एक्सपेल करने का सवाल नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ कि थ्रेटन करने का सवाल है लाइक लाइफ से थ्रेटन हायर अथॉरिटीज भी नहीं बट जो गूंस है ठीक है जो गुंडे भरे हैं ठीक है वो लोग थ्रेटन कर सकते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कि यू नो तेरे हाथ में कोई चांस है नहीं तो अपनी लाइफ गवा सकता है या फिर रिजाइन कर सकता है इधर ऑफ दोस ऑप्शन इसमें नहीं तो इसमें 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 रीजन व्हाई गून्स आर पावरफुल इज बिकॉज़ वी डोंट हैव राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर सी गून्स सरवाइव बिकॉज़ ऑफ देयर नेक्सस विद पुलिस कमिश्नर एंड जजेस ठीक है एंड दिस पीपल एस्टैब्लिश नेक्सस बिकॉज़ सिटीजंस डोंट हैव राइट टू रिकॉल ओवर इट राइट ईदर ईदर दैट या फिर गून्स वन मोर थिंग इज दैट वी डोंट हैव ज्यूरी सिस्टम द सिस्टम एग्जैक्टली jury system is one system we have proposed another is that in case of murder trial the jury can ask for narco test in public right narco test will not be taken as evidence mm-hmm. but it can give information which can be objective jaise us aadmi ne narco test mein bol diya ki isne yahan churi chhipa ke rakhi hai aur ye to is aadmi ke sath gaya tha aur is jagah pe usne lash daba ke rakhi hai So he can give some material information which can be used later on used as objective evidence. Right. So, अभी क्या है कि goons are surviving because of nexuses with police commissioner and judges and the system we have proposed that is right to recall police commissioner, right to recall judge and jury system and narco test in public high crimes. Right. So with this power of goons will decrease. That is debatable, Rahul bhai, ki power of goons whether it will decrease by right to recall or not. क्योंकि लाइक आई सेड यू नो गुंस को अगर धमकी देनी है तो दे सकते हैं द ओनली थिंग दैट कमिश्नर नहीं कर सकता वो अपनी
वो अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता, बट उसको फिर भी धमकी धमकी जो दे रहे हैं कि उसकी लाइफ को खतरा है, ठीक है, गुंड के पास तो बहुत Let us सारे say that, दूसरे। we files a jury trial हाँ and the jury orders a narco test which establishes that this person did give a threat. So giving a threat is punishable by 3 years in prison. Threatening a government राइट, officer is 3 years in prison. नहीं वो बात सही है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्योंकि अभी भी काफी सारे आरटीआई एक्टिविस्ट है कि जो थ्रेट से डरते नहीं है, ठीक है, थ्रेट से डरते नहीं है फिर भी, एंड देन बिकॉज दे रिलाय ऑन द जुडिशरी, राइट राइट, पर और जुडिशरी इटसेल्फ जुडिश इज अनरिलायबल. राइट हाँ, तो इफ दे आर रिलाइंग एग्जैक्टली ऑन जुडिशरी, दे आर नॉट रिलाइंग ऑन एनीवन, बिकॉज़ जुडिशरी इज राइट अनरिलायबल. एग्जैक्टली तो ये जो राइट थ्रेट का क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर नो थ्रेट इन वेस्टर्न कंट्रीज और थ्रेट इज सो मिनिमल इन वेस्टर्न कंट्रीज, बिकॉज ऑफ दिस 3 रीजंस, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट जज, राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर एंड जूरी सिस्टम. राइट दैट अ जूरी सो विल ऑलवेज इम्प्रिजन अ करियर क्रिमिनल, जैसे लतीफ या दाऊद सही जैसे बात कोई क्रिमिनल है, तो जूरी विल ऑलवेज थ्रो देम इन प्रिजन. तो राइट क्रिमिनल की जो 20-25 लोगों की गैंग है, उसमें से 2 लोग जेल में जाएंगे, तो बाकी 10 लोग गैंग छोड़ के चले जाएंगे. करियर राइट क्राइम सर्वाइव बिकॉज ऑफ जस्ट सिस्टम एंड एब्सेंस ऑफ जूरी सिस्टम. राइट